दोस्तों पंचायत सहायक भर्ती से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट लाया हूँ। हाई कोर्ट से पंचायत सहायकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ दोस्तों, पंचायत सहायक भर्ती 2 साल पहले हुई पंचायत सहायक भर्ती में पंचायत सहायकों का अनुबंध नहीं बढ़ाने से पंचायत सहायकों में काफ़ी रोष है। उनके इस फैसले से एक हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आई है। ग्राम पंचायत सहायक के कार्यकाल नहीं बढ़ने का है मामला दोस्तों। हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग से मांगा जवाब। राकेश चौधरी व अन्य की याचिका पर न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अदालत ने दिए निर्देश। आदेश अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि पिछले 2 वर्ष से काम कर रहे हैं, अब भी इनका अनुबंध नहीं बढ़ा रहे। तो दोस्तों, इस पे हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि अभी तक इनका कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया गया है। जी हाँ दोस्तों, पंचायत राज विभाग से जवाब मांगा है। ग्राम पंचायत सहायकों का अनुबंध नहीं बढ़ाने का है मामला। राकेश चौधरी व अन्य की याचिका पर न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अदालत ने दिए निर्देश। आदेश अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि पिछले 2 साल से पंचायत सहायक मासिक मानदेय के 6,000 रुपये पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो भाजपा सरकार ने इनकी भर्ती की और एक एक करके इनका 2 साल अनुबंध बढ़ाया और इनका कार्यकाल 19 मई 2019 को समाप्त हो गया, जिसके बाद आज तक इनका अनुबंध नहीं बढ़ाया है। तो दोस्तों, इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से जवाब तलब किया है। उन्होंने हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग से जवाब मांगा है और जवाब पेश करने के लिए भी बोला है। राकेश चौधरी वन्य की याचिका पर न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अदालत ने निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने इस केस में हियरिंग में शामिल हुए और कोर्ट को बताया कि पिछले 2 साल से पंचायत सहायक काम कर रहे हैं और उनका अनुबंध अभी तक नहीं बढ़ा है, जिस पर सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।